नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। बॉयफ्रेंड को गोली मारी गई है। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए बॉयफ्रेंड को गोली लगी है। बता दें, पेट में गोली लगने से युवक घायल हुआ है। झांसी रोड थाना के बजरंग नगर इलाके की पूरी घटना है। पुलिस ने फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। युवक ने गर्लफ्रेंड के पति पर गोली मारने का आरोप लगाया है। गर्लफ्रेंड ने कहा, बॉयफ्रेंड ने खुद को गोली मारी। बॉयफ्रेंड को गोली मारी है, फिलहाल जिसे गोली लगी है अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। प्रेमिका से मिलने गए बॉयफ्रेंड को गोली लगी है, ये बड़ी खबर। हम ग्वालियर से बात कर रहे हैं, ग्वालियर की खबर की बात कर रहे हैं। पेट में गोली लगने से युवक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। झांसी रोड थाना के बजरंग नगर इलाके की ये घटना है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। युवक ने गर्लफ्रेंड के पति पर आरोप लगाए हैं, गोली मारने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ गर्लफ्रेंड ने कहा है कि बॉयफ्रेंड ने खुद को गोली मारी है। ये वहां पहुंचा था उसके घर में, तो लड़की का कहना यह है कि हमने इसको कमरे में बंद कर दिया और इसने गोली चला दी। तो इसके गोली पेट में लगी, जबकि लड़के का कहना यह है कि इसके पति ने, संदीप ने गोली मारी है। तो मामला थोड़ा सा अभी उलझा हुआ है, इसको क्लियर कर ले। मौके पर मिला था? नहीं, पति मौके पर है ही नहीं। वो लड़की का कहना ये है, वो तो काम पे चला गया था। और आइए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। अब दतिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए ईवीएम का निरीक्षण करने पहुंचे रिटर्निंग अफसरों को सुरक्षा कर्मियों ने वापस लौटा दिया। मतलब कि उन्हें निरीक्षण करने से रोका गया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ था, 3 दिसंबर को मतगणना है। सभी ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है और निरीक्षण करने की जिम्मेदारी डीएम और रिटर्निंग अफसरों को दी गई है। जब भांडेर के एसडीएम और रिटर्निंग अफसर इकबाल खान पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचे तो उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। अब इसकी वजह क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह निरीक्षण करने से रोकने के बाद उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कहते हैं सबसे ज्यादा वफादार कोई होता है तो वो है डॉग, जो इंसानों की भावनाओं को समझता है। इसीलिए लोग सबसे ज्यादा कुत्तों को ही पालते हैं, लेकिन कभी कभी ये कुत्ते इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं, खासकर आवारा कुत्ते। कुछ ऐसा ही ग्वालियर में हुआ है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। इन कुत्तों ने पिछले 24 घंटों से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल शहर में कुछ कुत्तों ने एक दिन में 61 लोगों को अपना शिकार बनाया, तो वहीं सोनसा गांव में तो 11 साल के बच्चे को खूब नोचा। कुत्ते के हमले में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्ते के आतंक के बावजूद वहां की नगर निगम और ना ही प्रशासन, इससे संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान दे रहा, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। मुरैना में हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक युवक घूमता नजर आया। इस दौरान युवक की पुलिस से झड़प हो गई। छीना झपटी के बाद पुलिस ने युवक से रिवॉल्वर छीन लिया। ये मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहे का है। अब इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक युवक हथियार के साथ है, तो वहीं वीडियो में पुलिस और युवक के बीच झड़प चल रही है। युवक बीच सड़क पर जमकर ड्रामेबाजी करते नजर आ रहा है। युवक को मनोरोगी बताया जा रहा है, जो मंजीतपुरा का रहने वाला है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो बता रही है कि अपनों के बिछड़ने का गम क्या होता है। एक तरफ दीवारों पर बंदरों का जमावड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे बंदर एक साथ क्यों हैं? तो नीचे तस्वीर को देखिए। दरअसल बंदरों के एक साथी की मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उनके अंतिम संस्कार में बंदरों की पूरी टोली पहुँची है। दरअसल पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के डाक बंगले का, जहाँ एक बंदर करंट की चपेट में आ गया। जब हिंदू संगठन के सदस्य मृत बंदर का अंतिम संस्कार करने लगे तो बंदर के सभी साथी वहां पहुंच गए और मृत बंदर की विदाई में शामिल हुए।
बंदरों का अपने साथी बंदर को अंतिम विदाई देने का ये मंजर सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। पैरों पर ये लाल लाल निशान देखिए, मासूम से दिखने वाले इस बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां एक स्कूल में छात्र को लट से पीट दिया गया। चिंतामन थाना अंतर्गत हासमपुरा स्थित गो ग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुलमी ने स्कूल के एक छात्र को लट से पीट दिया, जिससे उसकी उंगली और हाथ में चोट आने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पालखेड़ी निवासी 10वीं कक्षा के छात्र प्रियांश आंजन उम्र 17 वर्ष ने पुलिस को बताया कि स्कूल से लौटते समय हासमपुरा रोड पर ये घटना हुई। स्कूल से लौटते समय किन्हीं अन्य बच्चों ने बस में बम फोड़ दिया था, जिसकी शिकायत बस चालक सुभाष ने गो ग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुलमी को दी। प्रिंसिपल स्कूल से लट लेकर अपनी बाइक पर सवार हुए और हासमपुरा रोड पर खड़ी बस के पास पहुंचे। वहां ड्राइवर ने मुझे पकड़ा और प्रिंसिपल ने लट से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घायल छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर चिंतामन थाने में पहुंचे। पुलिस ने प्रिंसिपल को बुलाकर थाने में बैठाया और बच्चे को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति देखकर डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। फिलहाल चिंतामन जवासिया थाने पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है और अब इसका असर आम जीवन पर पड़ने लगा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कई शहरों का AQI 300 के करीब पहुंच गया है, तो कुछ शहरों में 200 के पार है। AQI के लगातार बढ़ने से सांसों पर संकट मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो ग्वालियर की हवा काफी खराब हो गई है। यहां के सिटी सेंटर इलाके का AQI 345 को पार कर गया है, तो वहीं फूलबाग का AQI 319 के करीब है। इंदौर में 208 AQI दर्ज किया गया, तो भोपाल में 260, उज्जैन में 203, जबलपुर में 274 और कटनी में 225 दर्ज किया गया है। ये स्थिति बता रही है कि MP के हालात कैसे हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, इसके बाद से आतिशबाजियां खूब होने वाली हैं, मतलब अभी और हवा खराब होने वाली है। अब राजधानी भोपाल भी साफ स्वच्छ और सुंदर दिखेगी। दरअसल NGT ने अतिक्रमण के मामले में भोपाल प्रशासन को फटकार लगाई है और ग्रीन बेल्ट एरिया की 692 लोकेशन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रशासन साफ सफाई में जुट गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू करने के संकेत दे दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित SDM की अलग अलग टीम बनाई गई है। शुरुआत में ये टीमें अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस देंगी, जिसके जरिए ये कहा जाएगा कि आप खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो हम हटा देंगे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक के दौरान ये प्लानिंग कलेक्टर आशीष सिंह ने जाहिर की और इस दौरान DFO आलोक पाठक, नगर निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबले, ADM हरेंद्र नारायण समेत वन विभाग, नगर निगम, PWD CPA के अफसर भी मौजूद रहे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की साजिश चल रही है। पिछले दिनों एक कॉल पर धमकी मिली थी, अब एक ईमेल के जरिए धमकी मिली है। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी एक ईमेल के जरिए गुरुवार को दी गई। बताया गया कि ये धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने ये धमाका टालने के लिए 48 घंटे के अंदर $10,00,000 देने की मांग रखी है। ये रकम भी बिटकॉइन में देने को कहा गया है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ धमकी देने और फिरौती मांगने की इस मामले में IPC की धारा 385 505(1)(b) के तहत FIR दर्ज की है। तो वही धमकी भरा ईमेल जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजा गया, उसका पता लगा लिया गया है। पुलिस अब भेजने वाले शख्स की पहचान करने में जुट गई है। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन में श्रद्धालुओं और पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद मजदूर 12 दिन से फंसे हुए हैं। सुरंग को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनों में तकनीकी दिक्कतों के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे मजदूर को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए भक्त और पुजारी बाबा महाकाल मंदिर में एकत्र हुए।
भस्म आरती के दौरान प्रार्थनाएं की गई, जो हर दिन मंदिर में किए जाने वाले एक विशेष अनुष्ठान है। पूजा अर्चना के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। भस्म आरती के दौरान प्रार्थनाएं की गई, जो हर दिन मंदिर में किए जाने वाला एक विशेष अनुष्ठान है। पूजा अर्चना के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। एक तरफ उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ टनल हादसे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। ऐसा ही कुछ कोरबा में देखने को मिला, जहां निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सफल तरीके से बाहर निकालने के लिए पूजा पाठ किया गया। मजदूरों की जान सलामत रहे, इसके लिए पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा की कोसाबाड़ी मंडल की इकाई ने कोसाबाड़ी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा पाठ कर मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर परिसर में दीप जलाया और हनुमान जी की आरती की। गौरतलब है कि टनल में मजदूरों को फंसे करीब आज 13वां दिन हो गया है। रेस्क्यू अभियान चलाकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है, जिसमें रेस्क्यू टीम को काफी हद तक सफलता भी मिल गई है। पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि लोगों की दुआएं रंग लाएगी और मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार को लक्सर रोड पर मिसरपुर में जंगली हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था कि तभी एक साइकिल सवार भी उधर से गुजर रहा था। हाथी ने साइकिल सवार पर हमले की कोशिश की तो साइकिल सवार का बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को वहां से भगाया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीचे सड़क किनारे भीड़ जुटी है, सभी के सभी एक टक ऊपर निहार रहे हैं। इतने में ऊपर से आवाज आई कि पार्षद को गिरफ्तार करो। ये एक पीड़ित व्यक्ति की मांग है, जो अपनी मांग को लेकर एक टावर पर चढ़ गया। ये मामला क्या है, पहले ये जानिए। ये तस्वीरें भिलाई की है, जहां एक युवक ने नगर थाना क्षेत्र के पार्षद और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। युवक के मुताबिक उसके साथ पार्षद और उसके बेटे ने मारपीट की। दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित युवक टावर पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर युवक नीचे उतरा। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब केंदई रेंज से एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखने के बाद ग्रामीण मुसीबत में हैं, सोच में हैं कि अब क्या होगा। दरअसल हाथियों का एक झुंड झिनपुरी भद्रा गांव में नदी पार करते देखा गया। हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीण घरों में दुबक गए हैं। मवेशियों को घर के बाहर से हटाने में जुट गए हैं, तो वहीं फसलों के नुकसान पहुंचाने का डर भी सता रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। स्टेशन पर सन्नाटा है, यात्री परेशान हैं और हो भी क्यों ना। 3 महीने के लिए 48 गाड़ियों को रद्द जो कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आधुनिकीकरण को लेकर पटरियों पर काम चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए अगले 3 महीने के लिए 48 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के चलते 27 नवंबर से 23 मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया। इन ट्रेनों के रद्द होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन से उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली जाने वाली यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अब कुल मिलाकर 48 ट्रेन रद्द हो गए हैं। शादियों के सीजन में ट्रेन रद्द होने से लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। सड़क पर गुंडे बेलगाम हैं, इन्हें ना प्रशासन का खौफ है ना कानून का डर। यही वजह है कि ये दिन दहाड़े मारपीट चाकूबाजी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। दुर्ग से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक
रॉड और डंडे और चाकू से एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहा है। दुर्ग के उतई चौक पर यह घटना दिन दहाड़े घटित हुई थी, जिससे पुलिस की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर उसे वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेंदुआ दिखा है। तेंदुए के दिखने के बाद से लोग दहशत में हैं। तेंदुआ शहर से लगे रावण भाठा में देखा गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें देख सकते हैं तेंदुआ घर की दीवार पर बैठा है। तेंदुए के दिखने के बाद लोग अपने घर में दुबक गए, दहशत में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है, साथ ही लोगों को सावधान करने के लिए कहा है। आपको बताएं कि बीते दिनों सर्किट हाउस के पास तेंदुआ नजर आया है। एक दिसंबर को T20 क्रिकेट का मुकाबला छत्तीसगढ़ में होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में मैच की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच के दौरान 3000 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तैयारियों को लेकर आयोजन समिति और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। दरअसल BCCI ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच का शेड्यूल जारी किया है। इसमें कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दी गई है। वहीं सीरीज की बात करें तो पहला मैच 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, 26 नवंबर को दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम, 28 नवंबर को गुवाहाटी, 1 दिसंबर को रायपुर और पांचवा मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। यानी 5 मैचों के T20 सीरीज में चौथा मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। इसके लिए BCCI की तैयारी शुरू हो चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान राम के अभिषेक के लिए इंदौर में खास रथ तैयार किया गया है, जो देश की 75 पवित्र नदियों का जल लेकर इंदौर पहुंचेगा। यात्रा की मुख्य शुरुआत चित्रकूट से होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत मौजूद रहेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य राम भद्राचार्य के मार्गदर्शन में यात्रा का शुभारम्भ चित्रकूट से होगा, जो देश के अलग अलग राज्यों से गुजरात होते हुए 75 नदियों के पावन जल को इकट्ठा कर अयोध्या पहुंचेगा, जहां भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया जाएगा। बता दें कि रथ पर बहुत बड़ा कलश भी स्थापित किया गया है। भगवान रामलला के जलाभिषेक के लिए इंदौर में तैयार हुआ राम रथ करीब 26,000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेगा। मंडला जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में यातायात पुलिस ने अनूठा प्रयोग किया। यहां यातायात पुलिस ने पारंपरिक नृत्य दल के जरिए यातायात जागरूकता का संदेश दिया। यातायात पुलिस ने ग्रामीण मड़े और मेलों में पारंपरिक अहीर नृत्यों के जरिए यातायात नियमों को पालन करने की सीख दी। इसमें ग्रामीण मनोरंजन के साथ साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी लगातार फैलाई जा रही है। स्थानीय निवासी इस प्रयोग की सराहना कर रहे हैं और मनोरंजन के साथ जीवन रक्षा की सीख ले रहे हैं।